मैम आराम मैम एक मिनट मैम जो सीनियर सिटीजन को देते हैं शेल्टर फूड मेडिकल फैसिलिटी इंटरटेनमेंट तो जनरेशन है जो फैमिली वाले नेग्लेक्ट करते हैं उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं है हेलो होता है अच्छा एक बुरा जरूर होता है मैं कहती हूँ कि इसके साथ गेस्ट ऑफ डिसेबल सोसाइटी और मेरे कोलीग्स मैम को वेलकम करता हूँ कि मैम अपना बिजी शेड्यूल निकाल के यहाँ पर सीनियर सिटीजन होम की इनॉग्रेशन के लिए आऊँ तो जैसा कि आपको पता है जैसे तुमने पूछा कि ये सीनियर सिटीजन होम जो है पहली बार यहाँ पर पुंछ में खुला है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्री स्पॉन्सर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो इसमें ये स्कीम का नाम है अटल वायु अभ्युदय योजना जिसको पहले नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन कहा जाता था तो इसमें जो मेन एम्बिशन है मेन एम स्कीम का उसमें ये है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए और उनको प्रोविजन रहेगा जितनी भी बेसिक अमेनिटीज हैं लाइफ में उनको शेल्टर हो गया क्लॉथ क्लॉथिंग फूड मेडिकल फैसिलिटी रिक्रिएशनल फैसिलिटी ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए तो और ये सोसाइटी को भी एक मैसेज है कि जो हम अपने सीनियर सिटीजन को इग्नोर करते हैं जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम अपने एक चीज़ तो सच है कि सबने बूढ़े होना है एजिंग एक प्रोसेस है हमने भी बूढ़े होना है और जो आज बूढ़े हैं वो पिछले टाइम में जवान थे और आज वो बूढ़े हैं तो ये एक सच है और यंगर जनरेशन क्या करती है कि बूढ़ों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती उनसे बात नहीं करते उनको कुछ पेरेंट्स को अपने अबंडन कर देते हैं तो ये गलत चीज़ है तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए उनसे बात करनी चाहिए उनको इमोशनल फिजिकल मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए तो ये सीनियर सिटीजन जो होम है ये वैसा ही है इसमें घर जैसा माहौल मिलेगा उनको रहने के लिए हर चीज़ जो है यहाँ पर मिलेगी तो जो व्यू मुझे सुन रहे हैं उनसे ये अपील है कि ये इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं सीनियर सिटीजन के लिए और अपने जो सीनियर सिटीजन हैं पेरेंट्स हैं उनसे अच्छा सलूक करें सरपंच साहब ने कहा जैसे चेयरपर्सन मैडम ने कहा कि ये दुख की बात भी है कि हमें ऐसे कोई एनजीओज यहाँ पे पूरी इंडिया में बल्कि ओपन करने पड़ते हैं क्योंकि आप देखें कि हमारे बुजुर्ग हैं तो हम उन्हीं की वजह से अगर यहाँ पे हैं तो उन्हीं की वजह से ऐसी नौबत क्यों आती है कि हमें ऐसे एनजीओज खोलने पड़ते हैं मेरी आप सबसे भी गुजारिश है मेरी जो कोई मुझे सुनेगा मीडिया के थ्रू जो भी मैं सब बच्चों से ये अपील करूँगी कि ऐसे कृपया करके
ऐसी कोई नौबत ना आने दें कि आपके माँ बाप को हमें ऐसे एनजीओज में छोड़ना पड़े। क्यों हम भूल जाते हैं उनकी सारी मेहनत, उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत, जो हमें इतना सब करके, इतना सब बर्दाश्त करके क्या नहीं वो हमारे लिए करते। तो बाद में ऐसी नौबत आती है कि हम उनसे ही तंग आके कोई ऐसा घर या कुछ ऐसे एनजीओ ढूंढते कि हमारी जान छूटे, हम इन्हें छोड़ें। खुशी की बात है यहाँ पे, मगर एक साथ ही मुझे जब यहाँ पे कॉल आया था पहले दिन कि हम ऐसा कोई ओल्ड होम खोल रहे, तो मैं कहीं बात कर रही थी, मैं सोच रही थी कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है यहाँ पे, मतलब देखते हैं हम जम्मू में भी हैं, यहाँ पे भी क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम ऐसा कोई एनजीओ खोलें जहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग बेचारे